आज हम क्लास थर्ड का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, द क्लेवर मिनिस्टर। क्लेवर CLEVER, चतुर मिनिस्टर MINISTER, मिनिस्टर मीन्स मंत्री, मंत्री। इस कहानी के अंदर ये बताया गया है कि किस प्रकार से एक मंत्री ने अपनी सूझबूझ से अपने राजा की प्यास बुझाई और किस प्रकार से उसने उस जगह से परिचित नहीं होने के बाद भी उसका अपना दिमाग यूज़ किया और कैसे उसने अपने राजा को संतुष्ट किया। किंग सौर वर्मा एंड हिज मिनिस्टर वर वंस लॉस्ट फॉरेस्ट। किंग सोम वर्मा, राजा सोम वर्मा एंड हिज मिनिस्टर और उनके मंत्री वर वंस लॉस्ट इन द फॉरेस्ट। वंस मीन्स एक बार, लॉस्ट LOST मीन्स खो जाना, इन द फॉरेस्ट FOREST फॉरेस्ट मीन्स जंगल। किंग राजा सोम वर्मा एंड उनके मंत्री एक बार एक जंगल में खो गए थे। राजा कहते हैं मंत्री, I am thirsty, थर्स्टी मीन्स प्यासा, मैं प्यासा हूँ। I want some water, मैं पानी पीना चाहता हूँ। Where can I get some water? मंत्री कहता है, मंत्री सोचता है कि अब मैं पानी कहाँ से लेके आऊँ। I am not familiar with this forest, familiar, familiar means परिचित, मैं परिचित नहीं हूँ। With this forest, इस जंगल से, मैं इस जंगल से परिचित नहीं हूँ, मैं कहाँ से पानी लाऊँ। तो अब वो कहता है मंत्री बोलते हैं कि I am sorry महाराज, SORRY, सॉरी, सॉरी मीन्स क्षमा कीजिए। फिर से बोलते हैं SORRY, सॉरी, सॉरी मीन्स क्षमा कीजिए। I am sorry, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। I searched everywhere, सर्च मीन्स ढूंढा, खोजना। तो क्या होता है SEARCHED, सर्च मीन्स ढूंढा। EVERYWHERE, everywhere, प्रत्येक जगह। I searched everywhere, मैंने उस प्रत्येक जगह ढूंढा, मुझे क्षमा कीजिए लेकिन मुझे पानी नहीं मिला। If I don't drink water, I will die, महाराज कहते हैं If I don't drink water, मैं पानी नहीं पीऊँगा, I will die, यानी मरना। तो यदि मैं पानी नहीं पीऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। Suddenly, suddenly means अचानक। फिर से बोलती हूँ SUDDENLY, सडनली, सडनली मीन्स अचानक। द मिनिस्टर MINISTER, मिनिस्टर मीन्स मंत्री। NOTICED, नोटिस्ड मीन्स देखा। सडनली अचानक, द मिनिस्टर मंत्री ने, Noticed यानी देखा, a flock of deer, flock means होता है झुंड। क्या होता है flock means झुंड, of deer means हिरण। तो suddenly अचानक मंत्री ने एक हिरणों का झुंड देखा, passing by, पासिंग यानी उधर से गुजरते हुए। अचानक मंत्री ने क्या किया, अचानक उसको एक हिरणों का झुंड देखा जो कि उधर से गुजर रहा था। तो वो कहते हैं, मंत्री कहते हैं, महाराज आई हैव एन आइडिया,
वो कहते हैं अपने राजा से कि महाराज आई हैव एन आइडिया, आइडिया मीन्स उपाय, तरकीब। तो आई हैव एन आइडिया, मुझे एक तरकीब सूझी है। दीज डियर विल शो वेयर वाटर इज, दीज डियर ये हिरण विल शो, शो मीन्स दिखाएंगे, दीज डियर विल शो ये हिरण दिखाएंगे कि वेयर वाटर इज, कहाँ पर पानी है, ये हिरण से हमें पता चलेगा। तो अब बट वी डोंट नो दियर लैंग्वेज, तो राजा कहते हैं कि बट लेकिन वी डोंट हम नहीं नो जानते दियर लैंग्वेज, LANGUAGE लैंग्वेज मीन्स भाषा, तो हम उनकी भाषा को नहीं जानते। वी हैव सॉल्ट इन आवर लगेज, वी हैव सॉल्ट SALT सॉल्ट, सॉल्ट मीन्स नमक, SALT सॉल्ट, सॉल्ट मीन्स नमक, आवर लगेज LUGGAGE लगेज मीन्स सामान, आई रिपीट इट LUGGAGE लगेज मीन्स सामान, तो हमारे पास हमारे सामान में नमक है, दैट इज इनफ, दैट वह इनफ ENOUGH इनफ यानी पर्याप्त, वह पर्याप्त है। उस मंत्री बहुत समझदार था, वो बहुत चतुर था, तो उसने क्या किया, उसको एक तरकीब सूझी, उसने कहा कि हमारे पास सामान में एक लगेज है, सामान में नमक है, तो वो हमारे लिए पर्याप्त है, हम उसी से इस पानी को पकड़ें। द मिनिस्टर कॉट अ डियर, मिनिस्टर ने, मंत्री ने CAUGHT कॉट यानी पकड़ा, CAUGHT कॉट मीन्स पकड़ा, द मिनिस्टर कॉट, मंत्री ने पकड़ा एक हिरण को, मंत्री ने क्या किया, एक हिरण को पकड़ लिया। नाउ आई फेड हिम ऑल द सॉल्ट, नाउ अब आई फीड हिम, फीड यानी कि उसको दूंगा, उसको खिलाना, हिम ऑल द सॉल्ट, मैं उसको सारा नमक खिला दूंगा, तो वो खिला देता है उसको। अ लिटिल लेटर कुछ समय बाद, द डियर हैज़ बिगन टू फील थर्स्टी, क्या हुआ, द डियर वो हिरण हैज़ बिगन, बिगन BEGUN बिगन मीन्स शुरू होना, तो उस हिरण को लगने लगी, उसको शुरू हो गया टू फील, महसूस होना शुरू हो गया, थर्स्टी प्यासा, उसको अब उसने नमक खिलाया था मंत्री ने, तो इस वजह से उसको क्या हुआ, प्यास लगना शुरू हो गया, क्योंकि नमक खाने के बाद प्यास लगती है। नाउ वी मस्ट फॉलो हिम, आओ अब हम उसका पीछा करते हैं। तो अभी आज हमने इस चैप्टर को पढ़ा है, इस चैप्टर में हमने आज ये समझा है कि किस तरह से उस मंत्री ने अपनी सूझबूझ से अपने राजा को वहाँ से प्यास बुझाने के लिए एक तरकीब सोची। अभी आज हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा है, अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो लेफ्ट चैप्टर है वो बाकी का पूरा चैप्टर हम उसमें सेकंड क्लास नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, और मैंने जो जो मीनिंग्स आप लोगों को बताए हैं उन मीनिंग्स को आप अपनी नोटबुक में लिख के और उनका उनको लर्न करेंगे और अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट करेंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि आपको लर्न भी होगा और समझ में भी आएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, अपना ध्यान रखें और घर पर ही रहें, कोरोना से बचने के पूरे पूरे प्रयास करें। थैंक यू।